नमस्कार, केसीएन टीवी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजेड खान। आइए डालते हैं आज की ताजा खबर पर एक नजर। जेलगोरा स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बीसीएल ने गणतंत्र दिवस समारोह का किया आयोजन और बीसीएल की प्रगति पर खुशी जाहिर की। आपको सीधे लिए चलते हैं गणतंत्र दिवस समारोह स्थल। बीसीसीएल का स्थिति में जो उत्पादन प्रेशर में जो लगातार जो गिरावट आ रहा था, हम लोग उसको इस वर्ष एडजस्ट कर पाए और इस वर्ष ये बोलने में हमको हर्ष हो रहा है और खुशी हो रही है। और हम सभी लोग जो बीसीसीएल से जो है इनके साथ में जो जुड़े हुए हैं, सभी को खुशी हो रहा होगा कि बीसीसीएल एक ऊंचाई की तरफ में बढ़ चुका है। और इसलिए ये प्रजातंत्र दिवस कुछ अलग है। हम उस सतह पर अब आ गए हैं जहां से जो हमारे सीएमडी साहब का सोच है कि बेहतरीन मांगे और वहां से हम उसको दीजिएगा। संदेश मतलब ये बहुत अच्छा समय है, ये अच्छा दिन है कि बीसीसीएल अच्छा परफॉर्म कर रहा है और उन्हें काफ़ी वर्षों के बाद बीसीसीएल ऐसा स्थिति में है कि आत्मनिर्भर है, आर्थिक संकट में नहीं है, जो कि बराबर बीसीसीएल के लिए एक दुखद रहा बराबर। बट आज के दिन में बीसीसीएल इतना बढ़िया जगह में है, इसलिए हम सब लोग खुश हैं, हम लोग खुश हैं, हर्ष की विषय है। हम हमारे बोर्ड के मेंबर्स, हमारे कंसल्टिंग कमेटी के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव सभी लोग खुश हैं और इसी को सतह मानते हुए हम लोगों को आगे और उड़ान लेना है और आगे अच्छे तरीके से बीसीसीएल परफॉर्म करें और उसी का जुगाड़ में हम लोग सब लोग लगे हैं और ज़रूर करेंगे। कोरोना से भी बचाना है, कर्मचारियों का उत्पादन भी बढ़ाना है, कैसे देखिए ये बहुत क्या बोलूँ मैं, भगवान की आशीर्वाद है कि धनबाद अभी बहुत अच्छा पोजीशन में है, जबकि देश की बाकी जगह में आज का तो फिगर मैंने नहीं लिया, बट धनबाद में जो एक्टिव केस है वो घट के अभी हमको जहां तक लगता है कि 1700 टोटल झारखंड में, और धनबाद में डेली जो केस है वो काफ़ी घटता हुआ। कल का जो रिपोर्ट मैंने देखा था वो करीबन 13 या 15 कुछ रिपोर्ट था, आज और घट गया होगा हमारे हिसाब से। और जितने झारखंड में डेली जितना हो रहा है उससे करीबन 2000 लोग ज़्यादा स्वस्थ हो रहे हैं। तो एक्टिव केस करीबन जो कल का था 15-16 हज़ार था, हमको उम्मीद है 7-8 दिन 10 दिन के अंदर में झारखंड आउट ऑफ डेंजर हो जाना चाहिए। ओमिक्रॉन का केस यहाँ आ नहीं रहा है तो हम लोगों को आशीर्वाद मिल रहा है, हम लोग अच्छा सोच रहे हैं और अच्छा सोचने से ही जरूर अच्छा आशीर्वाद मिलता है। CSR के क्षेत्र में विशेष क्या कुछ योजना है? CSR के क्षेत्र में थोड़ा डीपी साहब इलाबोरेट कर पाएंगे, बट मैंने तो अपना भाषण में बताया आपको, करीबन काफ़ी कुछ काम है बीसीसीएल कर रही है। बट क्या है कि बीसीसीएल के पास में CSR के लिए बजट थोड़ा कम होता है, यहाँ जितना है उसके रूल के मुताबिक जितना है, क्योंकि लास्ट 2 वर्षों में हम लोग केवल कोविड में ही इतना ज़्यादा खर्चा किए हैं कि दूसरे जगह में ज़्यादा खर्चा हम लोग कर नहीं पाए हैं, लेकिन आगे हम लोग और करेंगे धनबाद के लिए और अच्छा काम होगा। जैसे जैसे अच्छा बीसीसीएल काम करेगा उसी तरीके से और बढ़िया काम होगा। धनबाद की जनता क्या उम्मीद? मैं स्वामी साहब ने बताया कि इस साल काफ़ी कोविड भारी बारिश के बावजूद काफ़ी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ है, उसमें CISF का भी एक सपोर्टिंग रोल अहम इसलिए भी है कि सिक्योरिटी भी दी है और धनबाद वासियों के लिए जो SNMCH हॉस्पिटल है उसमें जब भी जरूरत पड़ी है थैलेसीमिया पेशेंट को तो रक्तदान भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। मैं सभी से अपने फौज के जितने भी बंदे हैं, जो हाईली पोल्यूटिंग एनवायरनमेंट है BCCL का, उसमें कार्य निर्वाह जो ड्यूटी दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा। और CISF के DG साहब ने सभी को बहुत बहुत बधाई दी। आज के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे नई और ताज़ा खबर लेकर। केसीएन टीवी चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।